नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजयी क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं, खुलासा हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती परीक्षा का पेपर भी हुआ था लीक। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। SOG को जांच, DGP ने दौसा में दर्ज मामले में दिया आदेश। खुलासा हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती का पेपर भी हुआ था लीक। हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा जो 13 मार्च को आयोजित हुई थी उसका पेपर लीक हो चुका है। दोस्तों इसका पेपर 13 मार्च को ही लीक हो गया था। इसका खुलासा दौसा पुलिस ने किया है और इसकी फाइल जो है दौसा पुलिस ने SOG को भेज दी है। हाईकोर्ट LDC के जो 1760 पदों पर 13 मार्च को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, राजस्थान हाईकोर्ट की परीक्षा 13 मार्च को हुई थी, लेकिन पेपर भी इसका 13 मार्च को लीक हुआ है। ये पते दौसा कोतवाली में 13 मार्च को दर्ज हुई FIR की तफ्तीश में सामने आया। मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों की मोबाइल चैट में खुलासा हुआ है। परीक्षा से पहले पेपर बाहर आ चुका था। ये तथ्य सामने आने के बाद पुलिस महानिदेशक मामले की तफ्तीश SOG को सौंपी है। दौसा कोतवाली थाना पुलिस ने फाइल पुलिस मुख्यालय को भेज दी है। परीक्षा के दौरान दौसा के विक्रमादित्य TT कॉलेज में एक डमी अभ्यर्थी पकड़ा गया था। केंद्र अधीक्षक प्रभुदयाल शर्मा ने कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाई थी। पूछताछ में सामने आया कि परीक्षा देने के लिए आया मोहित 50,000 रुपये में तैयार हुआ था। मुख्य आरोपी ने परीक्षार्थी को 8,00,000 रुपये में चयन की गारंटी की जिम्मेदारी ली थी। इस मामले आरोप की गिरफ्तारी होगी। दौसा पुलिस ने भेजी फाइल। आरोपियों से पूछताछ में जो तथ्य सामने आया उसे स्पष्ट किया कि मामले में कोई आरोपी लिप्त है। पुलिस रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट प्रशासन भी सकते हैं। इसी को देखते हुए मामले की तफ्तीश SOG से कराने का निर्णय लिया गया। पुलिस ने मुख्यालय से मिले आदेश के बाद दौसा पुलिस ने फाइल SOG को भेज दी है। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा का पेपर भी यहां पर लीक हो चुका है। इसके काफ़ी सारे मामले यहाँ सामने आ चुके हैं, बहुत सारे FIR दर्ज हुए, कई लोग इसमें लिप्त हैं। तो ये हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा जो LDC का जो 13 मार्च को जो पेपर करवाया गया था उस पेपर का यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। दोस्तों ऐसी खबर यहाँ पर आ रही है। हाईकोर्ट SOG को भी यहाँ पर जाँच के लिए फाइल दे दी गई है। अगर ये मामला सही साबित होता है, पूरा खुलासा सही से हो जाता है, तो इस भर्ती परीक्षा को यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। ऐसी यहाँ पर खबर है। हाईकोर्ट LDC भर्ती परीक्षा 1760 पदों पर ये 13 मार्च को आयोजित हुई थी। इस भर्ती परीक्षा को यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा रद्द किया जा सकता है। राजस्थान केंद्र अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।